अरे वो रमैया किसनवा, अरे कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम्हारी सवारी आज इधर कैसे? अरे तुम्हारे ही काम से आया हूँ, सुबह सुबह जा रहा था, अब तो रास्ते में मिल गई भौजाई। उन्होंने तुम्हारे लिए खाना दिया है, कहा सुबह निकल गए थे भोरे, कुछ खाया भी नहीं तब से। तुमको तो पता ही है आज गन्ना लेके जाना है, सोचा जल्दी जाके कटाई वटाई कर दूं ताकि जल्दी गन्ना दे आऊं और पैसे ले आऊं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो क्या हो गई कटाई? बस करके तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। ठीक है अब हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे, खाना खा लेना। राम राम। राम राम। राम राम। रमैया, ओ रमैया, ओ रमैया, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है? बोलेगा भी या सांप सूंघ गया तुझे? क्या बोलूं किशन भैया, आज तो जैसे एक जिंदगी ही बर्बाद हो गई, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। आज गन्ना लेके गया था, गन्ना लेने से मना कर दिया, इतना रुपया खर्च किया, इतनी मेहनत की, सब बेकार हो गया। एक तो चिंता मत कर, ये ले गन्ना खा। किशन भाई, इतना मीठा, इतना रसदार गन्ना, इतनी अच्छी फसल का राज क्या है? दरअसल पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही मैंने गन्ने की खेती करनी शुरू की, और जो राज तुम पूछ रहे हो ना, उसका नाम है बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई? ये बूंद बूंद सिंचाई क्या है भैया? बूंद बूंद सिंचाई है आधुनिक सिंचाई, इसमें पानी लगता है कम, फसल होती है ज्यादा। अगर इतनी अच्छी चीज है तो जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए ना भाई। बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन हम नहीं, खेती बाड़ी के माहिर कल गांव में आके इसके बारे में बताएंगे। मैंने इस बारे में सरपंच जी से बात की थी, उन्होंने खेती बाड़ी के माहिर को गाँव में कार्यशाला लगाने के लिए बुलाया है। ये तो आपने बहुत पुण्य का काम किया किशन भाई। लेकिन कल तुम सुबह 10 बजे सरपंच जी के यहाँ पहुँच जाना। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। राम राम। राम राम। राम राम। पानी कुदरत की अनमोल देन है। पूरी दुनिया में प्रयोग किए जा रहे पानी में से 70% पानी खेती बाड़ी में ही प्रयोग होता है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिंचाई के लिए किसान विभिन्न सिंचाई स्रोतों पर निर्भर हैं, जिनमें बरसाती पानी, भूमिगत जल अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बदलते पर्यावरण के प्रभाव से खेती बाड़ी के लिए लगातार पानी की कमी होती जा रही है। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए पानी का सही प्रयोग और प्रबंधन करना समय की अहम जरूरत है। हमारे देश में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के किसानों द्वारा उगाया जाने वाला गन्ना भारत के कुल चीनी उत्पादन में 95% का योगदान देता है। इस तरह गन्ना प्रमुख खाद्य पदार्थ उत्पादन में योगदान देने वाली हमारी देश की अहम फसल है। गन्ना ऐसी फसल है जिसके लिए पानी की अत्यधिक जरूरत होती है। हमारे देश में पारंपरिक ढंग से की जाने वाली खेती के लिए हर साल गन्ने की फसल को 2000 से 2300 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर यही खेती आधुनिक सिंचाई पद्धतियों से की जाए तो पानी की जरूरत को घटाकर 1300 से 1500 मिलीमीटर तक लाया जा सकता है, यानी 35% तक की बचत। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गन्ना किसानों को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की जानकारी प्रदान करने के लिए अलग अलग जगह पर कार्यशालाएं, सेमिनार और वर्कशॉप को आयोजित करती हैं। गन्ने के खेतों में बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगाने का खर्च करीब 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आता है। कृषि मंत्रालय बूंद बूंद सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने तालुका के जोनल कृषि कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान बूंद बूंद सिंचाई योजना, इसमें प्रयोग होने वाली तकनीक और प्राप्त होने वाली सब्सिडी की जानकारी लेने के लिए क्षेत्र के कृषि विकास केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्यारे किसान भाइयों, हमारे ही गांव के प्रगतिशील किसान हैं किसन पाल, जिन्होंने पिछले साल अपने खेतों में बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगवाया और पहली बार गन्ने की खेती की है। आप सब ये जानकर हैरान होंगे कि उसने पहली बार में इतनी बेहतरीन फसल प्राप्त की है जो बड़े से बड़े किसान प्राप्त नहीं कर सका। इनकी सलाह पर हमने बागवानी विभाग से संपर्क किया और निवेदन किया कि वो हमारे गांव में आकर हमारे किसान भाइयों को इस फायदेमंद तकनीक के बारे में जानकारी दें। और देखिए, हमारे बीच बहुत गुणी कृषि वैज्ञानिक आलोक कुमार जी पधारे हैं, आप इनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। आलोक जी, मैंने किशन भाई के खेत का गन्ना खाया, बड़ा मीठा और रसदार गन्ना था। ये चमत्कार कैसे करती हैं ये बूंद बूंद सिंचाई? क्या होती है ये बूंद बूंद सिंचाई? पारंपरिक सिंचाई में हम पूरा पानी खेत में छोड़ देते हैं, जिससे कि कुछ पानी तो पौधों को मिलता है और बाकी पानी व्यर्थ चला जाता है। बूंद बूंद सिंचाई का मतलब है पानी को उस जगह पे ले जाना जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी पौधों की जड़ों तक। इस पद्धति में कुल पानी को छोटे छोटे सूक्ष्म हिस्सों में बांट देते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्म सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। इस पद्धति से गन्ने की खेतों में पानी को बूंद बूंद कर उसकी जड़ों तक ले जाया जाता है। क्या मजाक करते हो आलोक बाबू, गन्ने की सिंचाई बूंद बूंद से? अरे गन्ने के खेत तो कुआं भर भर के पानी मांगते हैं। यही तो मैं आपको समझाने आया हूँ कि बूंद बूंद सिंचाई से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, पानी भी बचा सकते हैं और भरपूर फसल भी पा सकते हैं, यानी दोगुना मुनाफा। अच्छा जी, बात करने से बात नहीं बनेगी, करके दिखाइए तो माने। अरे सबर कर रामिया, वो भी पता चल जाएगा। आलोक जी, क्यों ना आप इनको मेरे खेत पे लेके चलें और वहीं बता दीजिए इनको क्या होती है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। बहुत ही आसान है बूंद बूंद सिंचाई। इसके लिए खेतों में पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है और पौधों की दूरी के हिसाब से इसमें छेद होते हैं, जिसके द्वारा पानी सीधे खेतों में पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। लेकिन आलोक जी, पानी यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? सबसे पहले पानी तालाब, नदी, नहर या नलकूप से एक बड़ी सी टंकी में एकत्र किया जाता है। उसके बाद मोटर या पंप के जरिए उसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पहुंचाया जाता है। पानी की टंकी से पानी इस प्रणाली में बाहर आता है। सबसे पहले पानी रेत वाली छननी यानी सैंड फिल्टर से गुजरता है। पानी टंकी में जमा होने से काई जमने का डर रहता है। सैंड फिल्टर में एक खास प्रकार की रेत होती है जो कि पानी के साथ आई काई को रोक देती है और छना हुआ पानी संयंत्र में आगे बढ़ता है। रेत वाली छननी से पानी खाद पंप में आता है। खाद पंप पानी में खाद का घोल मिला देता है। एक बड़ी सी टंकी में या बाल्टी या टब में खाद मिला के रखा जाता है और पंप के माध्यम से उसे खाद पंप में डाला जाता है। उसके बाद पानी में घुला हुआ खाद संयंत्र के अगले पड़ाव में आगे बढ़ता है। उसके बाद पानी स्क्रीन फिल्टर में आता है। स्क्रीन फिल्टर पानी में घुली हुई महीन अशुद्धियों को छान देता है। इस तरह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से एक बड़ी सी पाइप गन्ने के खेतों तक जाती है, जिसे हम मुख्य पाइप कहते हैं। मुख्य पाइप से एक पाइप अंदर गन्ने की खेतों की तरफ जाती है, जिसे सहायक मुख्य लाइन या सब मुख्य लाइन कहा जाता है। इन पाइपों से उन नलकियों को जोड़ा जाता है जो कि सीधे अंदर गन्ने की पौधों की जड़ों तक पानी ले जाती है। उन नलकियों पर ड्रिपर लगाए जाते हैं, जिसके जरिए पानी बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों तक जाता है। अगर किसी फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि गन्ने को, तो हम लघु फव्वारे का प्रयोग करते हैं। आलोक जी,
आपने ये तो बता दिया कि ये पाइपों का जाल काम कैसे करता है, लेकिन इसका फायदा क्या है? पहला फायदा यह कि जब पानी बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों तक जाएगा तो खाली जगह पे पानी जमा नहीं होगा, और पानी जमा नहीं होगा तो खरपतवार नहीं होंगे। दूसरा फायदा, अगर खरपतवार नहीं होंगे उसे हटाने के लिए खरपतवार नाशक की जरूरत नहीं होगी, और अलग से मजदूर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, तो मेहनत भी कम लगेगी और मजदूरी का खर्चा भी बचेगा। तीसरा सबसे अहम फायदा, हम खाद को पूरे खेत में डाल देते हैं, उसकी बजाय उसे पानी में मिलाकर बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों में डाला जाएगा, जिससे कि खाद भी कम लगेगा और बर्बाद भी नहीं होगा। हुआ ना दोगुना फायदा। आलोक जी, ये तो समझ में आ गया कि इस तकनीकी से फायदा बहुत होगा, लेकिन ये बूंद बूंद संयंत्र लगवाने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये संयंत्र थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सरकार किसानों की मदद भी करती है। अगर कोई किसान भाई इतना भी खर्चा ना उठा सके तो अब ऐसी तकनीकें आ गई हैं, आप किसान भाई अपने घर में प्रयोग होने वाले पानी की टंकी से इसे जोड़कर अपना सकते हैं। गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक और किस्मों को विकसित करने के लिए देश के प्रमुख गन्ना अनुसंधान संस्थान दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। इनमें प्रमुख संस्थान भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर और बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे शामिल है। आलोक जी, आपने बहुत उपकार किया हमारे गाँव में आकर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देकर। किशन भैया, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस पद्धति को अपनाया और हमारे गांव में क्रांति की शुरुआत की। आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आग्रह पर मेरे गांव आए और हमारे किसान भाइयों को इस फायदेमंद तकनीक के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामिया भाई, मैंने कहता था बूंद बूंद सिंचाई पद्धति चमत्कार है, चमत्कार। तो किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई अपनाएं और खुशहाल किसान बन जाएं।